आज एक बहुत ही दुख भरा हादसा हुआ है। तालाब कटा विक्टोरिया होटल के आगे असलम फंक्शन हॉल के सामने एक बुलेट पे दो लोग जा रहे थे, उस बुलेट को आग लगी। जैसे ही बुलेट को आग लगी, वो लोग को बचाने के लिए अतराफ व अकनाफ के जितने लोग थे उन लोग बचाने गए, तो उसकी टैंक से गैस लीक होकर पेट्रोल की पूरी आग भड़क गई, जिसके अंदर जुमला 10 लोग मुतासिर हुए। एक का नाम नदीन है, एक का नाम मोहम्मद हुसैन है और दीगर लोग भी इसके अंदर है, जिसमें दो कॉन्स्टेबल भी है जो बुझाने के लिए गए थे, एक कैमरामैन है जो इलेक्शन ड्यूटी पे आके कैमरा लेता था वो भी है। ऐसे जुमला 10 लोग को ये हादसे में जद में आए हैं। जैसे ही इतला मिली, उन लोग को सबसे पहले असरा हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। असरा हॉस्पिटल शिफ्ट जैसे ही करे, इन लोग का इमीडिएट ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। अल्लाह का करम है, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुबहाना व तआला इन हादसे के अंदर जो जो लोग मुतासर हुए उनको जल्द से जल्द अल्लाह सहायत आप करे। जैसे ही इतला इसकी मुकामी लोगों ने दी मुझे, सदर मजलिस और अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि इमीडिएट उनको असरा शिफ्ट करिए। असरा के अंदर मैं आया हूँ, आके पूरे के पेशेंट्स को देखा हूँ। ACP मीरचौक मौजूद थे, भवानी नगर इंस्पेक्टर भी मौजूद थे। ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है, इंशाल्लाह ताला आप लोग दुआ करिए कि अल्लाह चाहा तो बहुत जल्द इन लोग शिफायाब हो जाएंगे, मुझे अल्लाह की इज़ाज़त से उम्मीद है। मगर हादसा काफ़ी बड़ा था, जिसकी तरफ से 10 लोग ज़्यादा जले, जिसमें एक दो लोग 80% के करीब जले हैं। इनके लिए भी आप दुआ करिए, इंशाल्लाह ताला हम लोग जमात की तरफ से इन लोग के साथ है और जैसा भी रहेगा वक्तन फाक्तन मैं खुद भी इन्वॉल्व हूँ, देखते रहूँगा बहुत।